तो वर्ल्ड कप क्रिकेट अभी तुरंत ही खत्म हुआ है, क्रिकेट का दौर लेकिन शुरू है और सबकी नजर अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले जो IPL होगा उस पे सबकी नजर है। IPL के लिए उससे भी पहले बाजार सजने वाला है। 19 दिसंबर को जो है पुरुष क्रिकेटर्स की उनकी बोली लगेगी दुबई में, ये बोली लगेगी। ये पहला मौका होगा जबकि भारत के बाहर जाकर बोली लगेगी। महिला खिलाड़ियों की भी नीलामी होने वाली है लेकिन वो 9 दिसंबर को मुंबई में होगी, उससे करीब 10 दिन पहले। लेकिन इस बार जो है दुबई में पहली बार है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी, एग्जैक्टली 1,166 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो 10 टीमें जो हैं इनमें से सिर्फ 77 खिलाड़ियों को खरीदेंगी और जिनमें से 30 विदेशी और 47 भारतीय होंगे। अगर 77 खिलाड़ियों को टोटल रकम से करें तो ऑन एन एवरेज प्रति खिलाड़ी जो है करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि किसी को सबको 3.5 करोड़ मिलेंगे, किसी खिलाड़ी की कीमत 10, 12, 14 करोड़ रुपए भी जा सकती है। और क्योंकि इनमें जो 7 खिलाड़ी हैं, जो 25 खिलाड़ी हैं उन्होंने बेस प्राइस रखी है 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख है, जो 2 करोड़ की बेस प्राइस है उसमें से 7 जो है वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं। उनमें से पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, ट्रेविस हेड हैं जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी लगाई थी। जाहिर है उन पे सबकी नजर रहेगी। हालांकि ये वनडे फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट की बात है लेकिन फाइनल में आपने सेंचुरी लगाई है और अभी भी शानदार खेल रहे हैं। तो जॉश इंग्लिस है, मिचेल स्टार्क है, स्टीव स्मिथ है, शॉन बट है, ये तो हुए आपके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। इसमें भारतीय खिलाड़ी भी हैं, शार्दुल ठाकुर है, हर्षल पटेल है, उमेश यादव जैसे भारतीय खिलाड़ी हैं। एक बड़ा दिलचस्प में ये बात है कि रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 500 से ज्यादा रन बनाए, 550 से ज्यादा रन बनाए और 5 विकेट भी लिए, जो इतने तगड़े जो ऑलराउंडर हैं उन्होंने अपनी जो बेस प्राइस है वो बहुत कम लगाई है, 50 लाख लगाई है। लेकिन जाहिर तौर पे उनकी बोली ऊपर जाएगी, उन्होंने अपने आप को मेरे हिसाब से अंडर रेट किया, अंडर एस्टिमेट किया है और उनपे बोली जाहिर तौर पे, क्योंकि वो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं और किस अंदाज में खेलते हैं T20 इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सबकी नजर रहेगी। तो ये जो अहम बातें हैं उनमें यह है कि 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार है, 19 दिसंबर को बोली लगी, 25 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ है और जैसा मैंने बताया 3-4 कैटेगरी है, 25 50 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख की है। इनमें जो अनकैप्ड खिलाड़ी यानी जिनको अभी तक फर्स्ट क्लास वगैरह खेलते हैं लेकिन कोई जो है इन टीम इंडिया का उन्होंने कैप नहीं पहना है, उनमें 812 ऐसे खिलाड़ी हैं और 18 जो है भारतीय कैप्ड खिलाड़ी हैं। तो इन सब पर जो है 200 टीमों की नजर रहेगी। ये लिस्ट अभी 1,166 जरूर है लेकिन जब टीमें अपनी इच्छा जाहिर करेंगी कि किन किन खिलाड़ियों पर उनके इंटरेस्ट रहेगी तो ये लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी और तब शायद 1,000 से ज्यादा का नंबर हमें दुबई में देखने को ना मिले। साथ ही साथ जो है अभी महिला क्रिकेटर्स के लिए जो 5 टीमें बोली लगाएंगी उनमें 165 महिला क्रिकेटर्स हैं जिनमें 104 भारतीय महिलाएं क्रिकेटर हैं। 30 खिलाड़ियों के इनमें किस्मत चमकेगी जिन पे बोली लगेगी और 9 जो है इनमें से विदेशी खिलाड़ी होंगी। 5 टीमें जो है 30 खिलाड़ी खरीदेंगी और इनका जो मैक्सिमम रिजर्व प्राइस है वो 50 लाख रुपए है। तो इस तरह से जो क्रिकेट में जो है महिला और पुरुष क्रिकेटर उन दोनों में के मालामाल होने का वक्त है। महिला खिलाड़ियों का जो है वो प्राइस जरूर कम है लेकिन पुरुष उनकी बोली शुरू हुई है और आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल भी सकती है। सबसे बड़ी बात है पुरुष जो क्रिकेटर हैं उनका जो बाजार जो सजने वाला है वहां सबकी नजर रहेगी और ये देखने वाली बात होगी कि जो वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिन खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया था उन पे किन की नजर रहती है। मेरी नजर और कई खिलाड़ियों की नजर जो टीम फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट कहे जा रहे रचिन रविंद्र पे जरूर रहेगी। ये भी देखना होगा कि किस खिलाड़ी पर सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बोली लगती है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।